बन मुर्गा बन जा सीख ले बन हाँ बन हाँ उड़ जा चल हाँ भाई देरी है हम देरी कर से हैं बन जल्दी भाई बन बन चल मुर्गी बन कर ले बन अब सुन लो कल जो नाल आएगा 30 सेकंड के लिए मुर्गा बनेगा तो उसके वो 4 दिन में तो आई है उसे पता राम राम जी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ जिम में और मैंने कर दी है एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्चुअली अब हमारा ग्रुप ना सारा अलग अलग हो गया है क्योंकि प्रिया चली गई है और अमन भी चला गया है, आदिल सुबह चला गया है, दीपक का कुछ पता नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो मैं भी अकेली हो गई हूँ, कभी मैं भैया के साथ कर लेती हूँ, कभी अकेले कर लेती हूँ, कभी एक और छोटा मतलब एक बच्चा आता है उसने अभी स्टार्ट किया है तो कभी मैं उसके साथ उसको भी ज्वाइन कर लेती हूँ, तो मैं किसी के भी साथ कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर भैया कर रहे थे साइड का वर्कआउट, तो मैंने सोचा कि भैया को ही ज्वाइन कर लेती हूँ। अदरवाइज अकेले रहते हो ना तो फिर उतना मन नहीं करता है, मन करता है ना कि 2-3 सेट कर लिए फिर चलो छोड़ो, अब वो भी हम प्रॉपर नहीं करते। जब साथ में कोई करता है और वो हमसे ज़्यादा कर रहा है तो हमें थोड़ा सा वो हो जाता है कि चलो भाई हम भी करते हैं। तो क्या हुआ था ना कि मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी तो भैया बोलते हैं कि अपना क्यों कर रही है, ऐसे कर ले तो मैं भी अपने पे डाल दूंगा, भैया भी इंस्टा पे। और एक्चुअली भैया को मैंने ही बोला कि भैया आप अपना YouTube स्टार्ट कर सकते हैं, और तो वो भी भैया कभी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं। तो अभी हम लोग साइड का वर्कआउट कर रहे थे। हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज आया है और मतलब मुझे तो खुद ही फील होता है यार, वो तो मैं खुद ही, और अच्छा लगने लगता है जब आप करने लगते हो। तो मैं जिम को और ज़्यादा टाइम देने लगी हूँ, ये पहले मैं टाइम नहीं उतना दे रही थी, बट हाँ अभी मैं 2-2.5 घंटे जिम को मैं कंटिन्यूसली दे रही हूँ। एब्स के लिए अलग से टाइम निकाल रही हूँ क्योंकि जब आपका फैट बढ़ता है यानी वेट बढ़ता है तो वो सबसे ज़्यादा टमी पर ही आता है। यहाँ मैं खुद का ही वीडियो शूट कर रही थी, मतलब यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैं खुद को ही शूट कर रही थी। और क्या हुआ था ना कि जिम ओपन नहीं हुआ था तो मैं आ गई थी पहले ही, आधा घंटा पहले, तो भैया कोई भी नहीं था जिम में, तो मैं ना प्रैक्टिस कर रही थी हैंड स्टैंड की और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ हैंड स्टैंड। तो मैं पहले सिंगल टेबल पे कर रही थी लेकिन हुआ नहीं, फिर मैं 2 टेबल लेके आई और उसके साथ मैंने स्टार्ट किया। बट यार मैं बहुत टाइम बाद कर रही थी तो मैं कर नहीं पा रही थी, मैं सोची थी यार कैसे करना है और भैया ने मुझे बताई थी ट्रिक और मैं भूल गई थी, बट यहाँ पे मैंने फाइनली कर दिखाया और मैं प्रॉपर मैंने किया। तो भाई जल्दी बन पहले बन जल्दी पहले बन बन अब सुन लो कल जो नाल आएगा 30 सेकंड के लिए मुर्गा बनेगा तो उसके वो 4 दिन में तो आई है अच्छा। उसे पता ना तू बेटा बच गई कैसे याद रखूंगी मेरे को बेटा यार देखो मैं धोखे खेला मेरे को पसीने नहीं आता बिल्कुल भी नहीं आता है कोई नहीं कल 30 सेकंड के लिए मुर्गा बन छोटा सा हैंकी ले आऊंगी है ना। सो गाइस आज भैया ने हमें बनाया मुर्गा क्योंकि हम लोग टॉवल नहीं लेके आए, पसीना आता है ना, लेकिन मुझे आता ही नहीं है क्योंकि शायद मैं पानी कम पीती हूँ बहुत ज्यादा, इसीलिए ये कह रही वर्कआउट नहीं करती दीदी इसीलिए नहीं आता। अरे नहीं मैं वर्कआउट करती हूँ लेकिन मेरे को पसीने ही नहीं आता है इसीलिए नहीं बताओ कहा सली को आए देयर